आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मैक्स मीडिया सबा के साथ। मूसा नदी से पानी का इखराज, मुतबादल रास्ते अख्तियार करने ट्रैफिक पुलिस का मशवरा। मूसा नदी में पानी के बहाव में कमी के बाद मूसा रामबाग ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इम्कान है कि ये ब्रिज कल सुबह तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के दोनों ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के बड़े पैमाने पर अखराज के बाद मूसा नदी में पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मुतबादल रास्ते अख्तियार करें। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद ने कहा कि मूसा रामबाग ब्रिज को बंद कर दिया गया है। गब्बरपेट, काचीगुड़ा और मूसा रामबाग मलकपेट के दरमियान गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दिलसुख नगर, मलकपेट, चादरघाट, कोठी रोड पर भारी ट्रैफिक देखी गई है। गाड़ी सवारों से दरख्वास्त की गई है कि वो इन रूट्स को इख्तियार ना करें और कल सुबह तक मुतबादल रूट्स इख्तियार करें। मूसा नदी में पानी के बहाव में कमी के बाद मूसा रामबाग ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इम्कान है कि ये ब्रिज कल सुबह तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। आप जो घरों पे मकानात पे जो पानी डूबा है गली में, एक नज़र यहाँ भी आप देख लीजिए किस तरह घरों पे पानी आया है। ये किशनबाग महमूद नगर का सबसे पिछला एरिया है जहाँ पे पानी जो है तकरीबन घरों में घुस चुका है। वो हमेशा का है, लास्ट ईयर भी यही हाल था। अब तो चूँकि पानी ज़्यादा आया जिसकी वजह से पानी ज़्यादा घुसा है इसमें। ये पूरा जो है महमूद नगर का सबसे लास्ट एरिया है। अभी काउंसलर हुसैनी पाशा भी आए थे, वो भी जो है विजिट करके गए यहाँ पे।